नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सूजी की रसभरी मिठाई। इसे बनाना है बहुत ही आसान और उतने ही खाने में टेस्टी है ये। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। सूजी मैंने लिए हैं आधा कप और एक कप चीनी लिए हैं। यदि आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप ना हो तो आप जिस कप कटोरी से सूजी ले रहे हैं उसके डबल ले लें चीनी और दूध। और मिल्क पाउडर लिए हैं 2 चम्मच और 2 चम्मच लिए हैं कोकोनट पाउडर यानी नारियल का बुरादा। हरी इलायची यानी छोटी इलायची 4 पीस लिए हैं और इसकी जगह 1/4 छोटी चम्मच पाउडर भी ले सकते हैं इसका। मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर के बिना भी ये मिठाई हम बना सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन ये डालने पर और भी टेस्ट बढ़ जाती है मिठाई में। तो अब चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो गैस ऑन करके एक पैन अथवा कढ़ाई रख लेंगे और इन्हें गर्म होने देते हैं। पैन थोड़ा गर्म हो चुका है, इसमें डाल लेते हैं 1 बड़े चम्मच घी और घी को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं, बहुत गर्म भी नहीं करेंगे। तो अब थोड़ा मेल्ट हो चुका है ये घी, अब इसमें डाल लेते हैं सूजी। अब इस वक्त हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इन्हें चलाते हुए इस तरह से 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो मैंने 4 मिनट सूजी को भून लिए हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सूजी हमारी भून चुकी है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे सूजी को। अब हम इनमें डालते हैं दूध और दूध हम एक ही बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए सूजी में डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इन काम को करेंगे। यदि हम गैस का फ्लेम हाई रखते हैं और दूध डालते हैं तो सूजी दूध को जल्दी से सोख लेगी और सॉफ्ट नहीं होगी, हमें सूजी को सॉफ्ट करनी है, सॉफ्ट डो बनाना है हमें। तो इस तरह से दूध डालते हुए सूजी को चलाते हुए सॉफ्ट डो बना लेते हैं। तो अब ये सूजी का डो तैयार हो चुका है, अब हम इसे ज़्यादा नहीं सुखाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी ये कड़ा हो जाएगा। अब हम इसमें डाल लेते हैं मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर, दोनों डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब गैस का फ्लेम अप करके इन डो को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा तेल से चिकना करके। अब इन्हें रखते हैं साइड में और मिठाई के लिए चाशनी बना लेते हैं एक पैन में। तो 1 कप चीनी लिए हैं, तो 1 कप मैंने पानी डाल लिए हैं इनमें और चीनी डाल लेते हैं। अब चीनी को इस तरह से चलाते हुए पानी में घोलेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद 1 आधा मिनट और पका लेंगे। तो देखिए मैंने चाशनी में उबाल आने के बाद 1 मिनट पका लिए थे और चाशनी थोड़ी गाढ़ी लगने लगी है, चिपचिपी लगने लगी है, इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। हमें चाशनी में कोई तार नहीं बनानी है, यानी बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, नहीं तो जमने लगेगी चाशनी। अब हम 3-4 ड्रॉप्स लेमन का जूस चाशनी में डालते हैं। इससे क्या होता है, चाशनी हमारी क्लियर भी हो जाती है और इनमें क्रिस्टल भी नहीं आती है। आप देख सकते हैं जूस डालने के बाद ही कितनी साफ हो गई है चाशनी। अब हमारी चाशनी तैयार है, अब इन्हें हम साइड में रखते हैं और जो हम डो बनाए हैं सूजी का उसे गूंथ लेते हैं। तो डो थोड़ा सा टाइट लग रहा है, लास्ट में हम नारियल का पाउडर मिलाए थे तो पाउडर भी दूध को सोखता है। तो इसमें 1-2 चम्मच दूध डालते हुए इसे इस तरह से गूंथ लेते हैं। अब इस डो में हम कुटी हुई इलायची डालकर मिला लेते हैं। अब ये डो मिठाई बनाने के लिए तैयार है। तो इनमें से हम एक लोई तोड़ेंगे, जितनी बड़ी हमें मिठाई बनानी हो उतनी बड़ी लोई लेकर के इस तरह से इसे गोल गोल करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा चपटा कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि इनके साइड में क्रैक नहीं आनी चाहिए, यदि है तो मिला लेंगे। तो इस तरह से एक जाली पर इसका डिजाइन बनाएंगे अथवा प्लेन भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी डिजाइन बन जाती है इस तरह की छन्नी से, और इस तरह के छन्नी नहीं है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं एक टूथपिक से अथवा इस तरह के कांटे वगैरह से, इससे भी डिजाइन अच्छी बन जाती है। और एक इस तरह से भी कर सकते हैं, किचन में कुछ ना कुछ तो होते ही है जिससे आप डिजाइन बना सकते हैं। और देखिए ये कप का है कवर, इसमें भी चेक चेक है,
इसे भी इस तरह से करेंगे तो अच्छे डिजाइन बन जाएंगे। तो इस तरह से किचन में कुछ ना कुछ होते ही हैं जिससे हम डिजाइन बना सकते हैं, और नहीं तो प्लेन भी रख सकते हैं, टेस्ट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब पहले पैन में तेल गर्म होने के लिए रख लिए हैं और गैस का फ्लेम लो ही रखे हैं, तब तक हम उधर डो से मिठाई बना लेते हैं। तो देखिए सारे डो से मैंने मिठाई बना कर रख लिए हैं, अब इन्हें तलेंगे। तो हमें तलने के लिए बहुत गर्म तेल और ठंडा भी नहीं चाहिए, मीडियम हॉट तेल चाहिए। और डिजाइन आप इस तरह के छनोटे से भी कर सकते हैं पीछे के भाग से। तो अब इसमें हम डालेंगे ये मिठाई, और तेल हमारा मीडियम हॉट है, उससे ज़्यादा भी नहीं गर्म करेंगे और उससे कम भी नहीं, और गैस का फ्लेम लो से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे, मीडियम भी नहीं रखेंगे, लो से जस्ट थोड़ा। अब इन्हें एक तरफ गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, फिर दूसरे तरफ पलटेंगे। तो एक तरफ से ये सिक चुके हैं, इन्हें देख सकते हैं, इस तरह से हल्के हाथों से चलाएंगे। अब इसी तरह से सारे पलट लेते हैं पहले। अब इन्हें लो फ्लेम पर ही उस तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल देंगे चम्मच से या इस तरह से, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इस तरह से कर देंगे तो ऊपर से तेल जाएगा तो थोड़ा सा फूलेगा ये। और आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन मैं और तलूंगी थोड़ी देर, क्योंकि मुझे ये मिठाई थोड़ी सी डार्क कलर की अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी और तलूंगी। तो अब ये हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें चाशनी में डिप करेंगे। तो अब इन्हें चाशनी में डाल लेते हैं, और इन्हें डालते समय चाशनी हमारी गर्म ही होनी चाहिए थोड़ी सी, यदि आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो थोड़ी सी गर्म कर लीजिएगा तभी डालिएगा, तो अच्छी तरह से ये चाशनी मिठाई में जाएगी। तो अब दूसरे बैच के भी डाल लेते हैं, तेल हमारी पहले की तरह मीडियम हॉट है और गैस का फ्लेम लो से थोड़ी सी ज़्यादा। अब ये दोनों तरफ से सिककर गोल्डन कलर का हो चुके हैं। अब हम इन्हें पहले की तरह सेकना चाहते हैं तो थोड़ी देर और हमें सेकना पड़ेगा, और इसी गोल्डन कलर में रखना चाहते हैं तो ये हो गए हैं, हम निकाल सकते हैं। तो मैं एक बैच का इसी कलर में निकाल लेती हूँ और फिर टेस्ट का फर्क मैं आपको बताऊँगी कि ये दोनों में क्या अंतर है। तो निकाल लेते हैं इन्हें। अब इन्हें भी चाशनी में डिप कर लेते हैं, और पहले वाले को निकाल लेते हैं, 8-9 मिनट हो गए हैं इन्हें चाशनी में डिप किए हुए, क्योंकि पहले हम इन्हें डिप किए फिर हम दूसरे बैच का फ्राई किए हैं। तो तब तक 8-9 मिनट में अब जब हो गई है इनमें चाशनी, तो अब इन्हें भी 8-9 मिनट के लिए रहने देते हैं चाशनी में, और फिर सर्व करेंगे इन्हें। और ये बीच बीच में इस तरह से एक दो बार चला देंगे, क्योंकि चाशनी कम है तो अच्छी तरह से ये चाशनी को पी ले। अब 10 मिनट हो चुके हैं, ये मिठाई अच्छी तरह से चाशनी को पी ली है, देखिए ये देखने से ही बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं, और देखिए देखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और अच्छी तरह से चाशनी इनके अंदर चली गई है। तो अब हम इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो सर्व करने से पहले थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स काट कर इसके ऊपर इस तरह से सजा दें तो और भी अच्छी लगेगी देखने में, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। और इन्हें बनाना कितना आसान है ये तो आपने देखा ही। ये मिठाई बहुत कम समय, कम मेहनत और कम बजट में बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होती है, यानी बहुत क्वांटिटी में बन जाती है। तो आप इन्हें किसी फंक्शन वगैरह में बनाकर तैयार कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स को, और घर में भी जल्दी से कम चीज़ों में अच्छी मिठाई खानी हो तो इन्हें आप फटाफट से तैयार करके एंजॉय कर सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ से ये मिठाई बनाकर तैयार किए हैं, क्योंकि ये ब्राउन कलर का मिठाई खाते समय आपको काला जामुन का फीलिंग आएगा, और ये गोल्डन कलर का खाते समय गुलाब जामुन का। अब मैं इसकी टेक्सचर दिखाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट है ना, जूस से भरी हुई गुलाब जामुन की तरह, देखिए सॉफ्ट जूसी है ना गुलाब जामुन की तरह, और ये भी उतनी ही सॉफ्ट है। तो
अब आप ये मिठाई बनाकर जरूर खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, आपको उसी से मेरी डेली अपडेट मिलेगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।